राज्य सरकार के जरिए जो लव जिहाद का कानून पास किया गया था उसको लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने आज उसकी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की धारा 3, 4, 5 और 6 पर स्टे लगा दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो पिटिशनर है मुजाहिद भाई, वो मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मुजाहिद भाई, हाईकोर्ट ने आज क्या कहा है? हाईकोर्ट ने आज फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो गुजरात सरकार ने अप्रैल में पास किया था उसकी धारा 3, 4, 4A, 5, 6 को स्टे किया है। ये धाराएं ये कहती हैं कि किसी भी दो अंतरधर्मीय लोगों को शादी करने के लिए कलेक्टर की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस देश का संविधान कहता है कि जो भी दो लोग वयस्क हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से किसी के साथ शादी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसा एक रिस्ट्रिक्शन जो इस देश के संविधान की मूल भावना को प्रभावित कर रहा था उसके खिलाफ हम लोगों ने एक पिटीशन की थी। आज उसमें एक अंतरिम ऑर्डर पास किया है गुजरात हाईकोर्ट ने कि ये जो धाराएं हैं इनको अभी स्टे किया जाता है। ये धाराएं एक मामले में और भी बहुत ख़राब थी कि कोई भी तीसरा व्यक्ति किसी के खिलाफ भी FIR करा सकता था, मतलब जिसका जो पीड़ित नहीं भी है, उसका उस पीड़ित परिवार से कोई संबंध भी नहीं है, वो भी किसी चौथे व्यक्ति के खिलाफ FIR करा सकता था। तो इन चीज़ों को हाईकोर्ट ने गंभीरता से सुना, हमारे वकीलों ने बहुत मजबूती के साथ संविधान की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको पेश किया और आज एक अंतरिम ऑर्डर किया हाईकोर्ट ने। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ने ये भी बात कही है कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो अगर शादी करना चाहे तो उस पर FIR नहीं हो सकती है, ये हाईकोर्ट ने क्या कहा है? ये वही उस सेक्शन का भाग है कि कोई भी दो व्यक्ति जो भले ही अंतरधर्मीय हो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकार की कोई पूर्व मंजूरी की इसमें ज़रूरत नहीं है। यही हमारा तर्क था और इसी पर उन्होंने इस बात को कहा है कि अंतरधर्मीय होना कोई गुनाह नहीं है, ये अवलोकन रहा है उनका, और इसको लेके कोई भी FIR वगैरह अभी तब तक के लिए जो इस कानून के तहत होती थी उसको स्टे किया है। लेकिन जो मामले अब तक गुजरात में दर्ज हो चुके हैं लव जिहाद के कानून के तहत, तो उसमें क्या होगा? अब निश्चित तौर पर इस फैसले का, इस स्टे का असर उन केसेस पे भी पड़ेगा जो इसके तहत किए गए थे। हमको याद होना चाहिए कि गुजरात का पहला मामला वडोदरा का था जो बिल्कुल झूठा था। उस वो जो लड़की है वो कह रही है कि मैंने ये कभी FIR नहीं कराई। तो कौन है लोग, कौन FIR करा रहे हैं, कैसे ये उसके लड़के के पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया है? ये सरकार इस गुजरात के नागरिकों का को मजबूत करना चाहती है कि गुजरात में धर्मों के बीच में दो दीवार बनाकर इस देश को दोराहे पर लाकर खड़ा करना चाहती है। इस सवाल, ये बहुत गंभीर सवाल है और जो पहले के केसेस हैं उन पर भी असर होगा और आने वाले जो कुछ जो लोग हैं जो निकट भविष्य में दो धर्मों के लोग शादी करेंगे उनके भी इस ऑर्डर से असर पड़ेगा। अब अगली डेट कौन सी दी गई है हाईकोर्ट की ओर? अभी डेट नहीं दी, अभी ये जब पूरा होगा तो उसके बाद वो उसमें अगली तारीख तय करेंगे। बिल्कुल, तो आज लव जिहाद कानून को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के जरिए अवलोकन भी दिया गया और साथ ही जो धारा है जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के तहत बदलाव किए गए थे, कानून बनाए गए थे, उसको लेकर आज हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। कैमरामैन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।